सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में एफआईए को बड़ी कामयाबी हासिल। इंटरपोल की मदद से ओमनी ग्रुप के सीएफओ असलम मसूद को जद्दा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी से अहम राज फाश होंगे। एफआईए पुरुमी जरदारी बात करने को तैयार हैं, क्या आप भी हैं? एहतसाब अदालत में सहाफियों ने पूछा तो मियां साहब ने सवाल पार्टी तर्जुमान की तरफ डाल दिया। मरियम औरंगजेब बोली, अभी बयान का जायजा ले रहे हैं, हुकूमती नाअहली बरकरार रही तो मंजरनामा बदलेगा। जरदारी के पास अब सिर्फ नोट हैं, वोट तो वो नोट के चक्कर में खो चुके। सियासतदानों नहीं वकीलों से मिलने की फिक्र करें। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का जियाले लीडर को मशवरा, बोले करारदादों से हुकूमतें नहीं जाती, इसके लिए वोट चाहिए। फवाद चौधरी, हमारी नहीं नियाजी साहब की फिक्र करें, खौफ की वजह से इमरान नियाजी अकवामे मुत्तहिदा नहीं गए। वजीर इत्तला की ट्वीट पर पीपी रहनुमा सईद गनी का रद्द अमल, बोले आसिफ जरदारी झूठे मुकदमात से नहीं डरते। स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास, मुस्लिम लीग नून का तीसरे रोज भी बायकॉट। नून लीग का 6 मौतल अरकान की बहाली तक ऐवान में ना जाने का फैसला। असेंबली के बाहर एहतजाज, असेंबली में हंगामा राय की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील, 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। अपोजिशन अरकान की तरबियत में कमी रह गई है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की स्पीकर से मुतालिक जबान दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं ऐवान में होने वाला नुकसान उन्हें पूरा करना होगा। वजीर इत्तला पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, हमजा शहबाज को हुकूमत करनी आती है ना अपोजिशन, कायदाना सलाहियतों का पर्दा चाक हो गया, तहरीक और एहतजाज के लिए दिल गुर्दा चाहिए। वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर ये सारा कुछ करता है, लेकिन जैसे ही कानून का शिकंजा और फंदा उन सारों पे आने लगता है तो ये लुटमार करने वाले सारे लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी एक सियासत की लुटमार का हुसन है। और पंजाब असेंबली में शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली की रुकनियत मंसूख करने की करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया परवेज इलाही का शहबाज शरीफ के बयान से मुतालिक इंटरव्यू हकाइक पर मबनी है। अपोजिशन लीडर ने नैब तहकीकात से मुतालिक ऐवान में झूठ बोला।